जैसे ही देविका ने मिहिर के मुंह से ये बात सुनी कि मिहिर ने टी हाउस को बंद कर दिया है, देविका बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसने मिहिर की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या कहा मिहिर तुमने? क्या सच में तुम टी हाउस को बंद कर दोगे? हमारी सारी मेहनत इस तरह से तो बर्बाद नहीं हो सकती, और जब हमारी चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम क्यों टी हाउस को बंद कर रहे हैं? देविका की बात सुनकर मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो देविका, मैंने हमेशा के लिए टी हाउस को बंद करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि ये तो बस एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम टी हाउस को बंद रख रहे हैं। जैसे ही हम खुद को सही प्रूफ कर लेंगे और हमें अपनी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा, उसके बाद हम टी हाउस दोबारा ओपन कर लेंगे। तभी निखिल ने देविका और मिहिर से कहा, हाँ मैंने चाय के कुछ सैंपल और अपने मिनरल वाटर के सैंपल भी भिजवा दिए हैं, जल्द से जल्द उनकी चेकिंग भी हो जाएगी, फिर ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि हमारी चाय में और हमारे पानी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब उस नीली गोलियों की वजह से हुई है, उन गोलियों का हमारी कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है। मिहिर ने निखिल की तरफ देखा और कहा, अब हमें यह पता करना है कि वो नीली गोली टी हाउस में आई कहां से। देविका ने निखिल और मिहिर की बात सुनकर मिहिर से कहा, आई थिंक हमें सबसे पहले चाय बनाने वालों से बात करनी चाहिए कि उन्होंने चाय को किस तरह से बनाया और ये नीली गोलियां उनकी बनाई चाय में आई कहां से। देविका की बात सुनकर निखिल ने मिहिर की तरफ देखा और मिहिर ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, आई थिंक देविका बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें सबसे पहले अपने वर्कर्स को बुलाकर ये बात क्लियर करनी चाहिए कि उनके पास ये नीली गोलियां आई कहां से। निखिल ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी उसने तुरंत अपने मैनेजर अजय को फोन किया और उसे अपने केबिन में बुलाया। 5 मिनट के अंदर ही अजय मिहिर और निखिल के पास आ गया और उसने निखिल से कहा, क्या हुआ निखिल सर, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? निखिल ने बिना टाइम वेस्ट किए अजय से कहा, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, टी हाउस में काम करने वाले सभी वर्कर्स को अभी के अभी मेरे ऑफिस में भेजो। अजय ने निखिल की बात सुनकर अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी निखिल सर, पर सारे वर्कर्स तो अभी नहीं है, जो मैनेजर टी हाउस में है और सारे वर्कर्स के काम को देखती है मैं उसे अभी आपके केबिन में भेजता हूँ। इतना बोलकर अजय निखिल के केबिन से बाहर आता है और कुछ ही देर बाद टी हाउस के केबिन का दरवाजा खुलता है और सिटी हॉस्पिटल के डीन के साथ एक जांच करने वाले बड़े अधिकारी के साथ दोनों निखिल के केबिन में आते हैं और दोनों को देखकर निखिल ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उस बड़े अधिकारी ने एक फाइल निकाली और उसे निखिल के सामने वाली टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने आपकी चाय और आपके मिनरल वाटर की जांच अच्छी तरह से कर ली है, ना ही आपके पानी में कोई गड़बड़ है और ना ही आपकी चाय में, बल्कि आपने अपनी चाय के बारे में जो भी बातें बताई हैं वो पूरी तरह से सही है। निखिल और मिहिर ने जैसे ही उस अधिकारी की बात सुनी दोनों ही काफी खुश हो गए। तभी निखिल ने खुश होते हुए कहा, आई नो, मुझे पता है मेरी चाय पत्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मिनरल वाटर तो नॉर्मल वाटर जैसा ही है। अधिकारी की बात सुनकर निखिल और मिहिर ने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, अब हम किसी भी लीगल चीज में नहीं फंसेंगे क्योंकि हमारी तरफ से ये सब कुछ पूरी तरह से क्लियर है। निखिल ने अधिकारी की लाई हुई रिपोर्ट को अपनी टेबल की ड्रॉर में रख लिया क्योंकि वो उनकी बेगुनाही का सबूत है। तभी वो दोनों अधिकारी निखिल के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। देविका, जो इतनी देर से चुपचाप बैठी थी, उसने मिहिर की तरफ देखकर कहा, चलो हमारे पास एक प्रूफ तो हो गया है, अब बस हम जल्दी से उस वर्कर को भी ढूंढ लें जिसने चाय में वो नशीली गोलियां मिलाई हैं, तो हमें मेन क्रिमिनल तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी निखिल ने देविका की बात सुनकर हां में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो देविका, लेकिन अभी तक अजय ने ब्लैक माउंटेन टी के स्टाफ मेंबर्स को यहां क्यों नहीं भेजा? निखिल दोबारा अजय के पास कॉल करने लगता है कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत केबिन के अंदर चलकर आती है। उन्हें देखकर निखिल फोन वापस नीचे रख देता है और वो बूढ़ी औरत ने निखिल के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते डायरेक्टर निखिल, मैं ब्लैक माउंटेन टी हाउस की स्टाफ मैनेजर हूँ, मुझे अभी अजय सर ने आपके पास भेजा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? बूढ़ी औरत को देखकर निखिल ने मिहिर की तरफ देखा और मिहिर ने पलक झपकाते हुए निखिल को इशारा किया तो निखिल ने पूछा, टी हाउस में जो कुछ भी हो रहा है इन सारे काम से तो आप वाकिफ ही होंगी, अब आप मुझे साफ साफ ये बताइए कि चाय में नीली गोलियों का जहर किसने मिलाया? निखिल को इतनी सख्ती के साथ बोलता देखकर वो बूढ़ी औरत घबराते हुए बोली, नहीं मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे किसी भी नीली गोली और जहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस स्टाफ मेंबर को देखती हूँ कि कौन किस टाइम की ड्यूटी कर रहा है, मुझे किसी जहर के बारे में नहीं पता। मिहिर बूढ़ी औरत को घबराते देखकर बोला, देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
आप हमें रिलैक्स होकर हमारे सारे सवालों का जवाब दीजिए, बस हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, पूछिए, आपको और क्या पूछना है? मिहिर ने बूढ़ी औरत से पूछा, हमें बताइए मैम कि आपके स्टाफ मेंबर में टोटल कितने लोग हैं? मिहिर की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, टी हाउस में टोटल 7 स्टाफ मेंबर्स हैं, उसमें से एक मैं हूं और 6 टी मेकर हैं जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं और 2 के ग्रुप में चाय बनाते हैं। तभी निखिल ने रिपोर्ट को ध्यान से देखा और उसने देखा कि दोपहर के टाइम में चाय पीने वाले ग्राहकों की ही हालत खराब है और वो सब हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो निखिल ने तुरंत उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप हमें ये बताइए कि दोपहर की शिफ्ट में आपके कौन से 2 स्टाफ मेंबर चाय बनाते हैं? बूढ़ी औरत ने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, दोपहर के टाइम तो मोटू और एक बूढ़ी लेडी की ड्यूटी होती है। मिहिर ने उसकी बात सुनकर कहा, आप तुरंत मोटू और उस बूढ़ी लेडी को यहां बुलाइए, उन दोनों में से ही किसी ने चाय में जहर मिलाया है। मिहिर की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप सिर्फ शक की बुनियाद पर उन दोनों पर इल्जाम लगा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, आपको पहले सब कुछ पूरी तरह से पता कर लेना चाहिए। उस बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि मिहिर की असली पहचान क्या है, इसलिए वो मिहिर को देखकर इतना कुछ बोल गई। तभी निखिल ने बूढ़ी औरत से कहा, अच्छा तो फिर आप ही हमें बताइए, आपको इन दोनों पर शक क्यों नहीं है? क्या इन दोनों को कुछ दिनों से आपने कुछ अलग बिहेव करते देखा या फिर कुछ ऐसा जो आपने नोटिस किया हो? अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है तो वो हमें बताइए। बूढ़ी औरत ने निखिल की बात सुनकर हां में सिर हिलाते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है वो बूढ़ी औरत तो मेरे जैसी ही है और काफी दिनों से काम कर रही है, तो वो तो इस तरह का धोखा कंपनी को नहीं दे सकती। वहीं जहां मोटू का सवाल है, वो थोड़ा सा आलसी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई काम करेगा। लेकिन हाँ, मैंने पिछले 2 दिनों में मोटू को थोड़ा अलग बर्ताव करते तो देखा था। मिहिर और निखिल जैसे ही उस बूढ़ी औरत की बात सुनते हैं, दोनों ही अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसे घूरने लगते हैं। और तभी देविका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या क्या अलग बिहेव किया मोटू ने, हमें जल्दी बताइए। देविका की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, मोटू 2 दिनों से कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है और उसने अभी नया फोन भी लिया है जो काफी महंगा है। मैंने उसका फोन देखकर उससे पूछा भी कि तुम्हें इतने सारे पैसे कहां से कमाने का मौका मिला, मुझे भी बताओ। तो वो हंसते हुए बोला कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, और उसका फोन देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फोन खरीदना चाहूं तो मुझे 2 महीने की अपनी सैलरी उस फोन को खरीदने में खर्च करनी होगी, और मोटू ने 2 दिन में ही वो फोन खरीद लिया। मिहिर और निखिल ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत की बात सुनी, निखिल ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, मैं समझ गया, मोटू ने चाय में जहर पैसे लेकर मिलाया है। मिहिर और देविका ने निखिल की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। निखिल ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहा, मोटू अभी है कहां? बूढ़ी औरत ने निखिल की तरफ देखकर कहा, मोटू अभी तो अपने घर में ही होगा, जहां तक मुझे पता है वो काफी आलसी है, तो वो कहीं भी इधर उधर जल्दी आता जाता नहीं है। मैं आपको उसके घर का एड्रेस देती हूं। बूढ़ी औरत ने मोटू के घर का एड्रेस दिया और निखिल ने सिक्योरिटी गार्ड को वो एड्रेस देते हुए कहा, ये लो एड्रेस, और जितनी जल्दी हो सके मोटू को यहीं टी हाउस में लेकर आओ। उस बूढ़ी औरत ने निखिल की तरफ देखकर कहा, मालिक क्या मेरा यहां पर रुकना जरूरी है? तभी निखिल ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं अब आप जा सकती हैं, लेकिन अगर हमें आपसे और पूछताछ करनी हुई तो हम फिर आपको बुलाएंगे। बूढ़ी औरत ने निखिल की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और चुपचाप टी हाउस छोड़कर सीधे अपने घर चली गई। अब टी हाउस में इस टाइम सिर्फ मिहिर, निखिल और देविका ही बचे हैं और वो तीनों ही मोटू के ऑफिस में आने का वेट कर रहे हैं। उधर धरा एम्ब्रॉयडरीज में, धरा अपने केबिन में बैठी और अपना सारा काम फिनिश कर चुकी है, और तभी धरा ने चुपके से अपने केबिन की विंडो को खोला और सामने काम कर रहे सभी वर्कर्स में से ऋषभ को चुपके चुपके अपनी नजरों से ढूंढने लगी। तभी धरा को जब ऋषभ कहीं नहीं दिखा तो धरा बेचैन हो गई और सीधे अपने केबिन से निकलकर बाहर आई और चारों तरफ ऋषभ को देखने लगी। धरा को इस तरह से किसी को ढूंढता देखकर हरमन धरा के पास आकर बोले,
क्या बात है बिटिया, किसे ढूंढ रही हो? धरा ने जैसे ही हरमन की बात सुनी वो घबराते हुए हरमन की तरफ देखने लगी और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं नहीं वो किसी को भी नहीं हरमन अंकल, वो तो बस मैं देख रही थी कि सारे वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं और हमारा ऑर्डर अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं। हरमन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बस कंप्लीट होने ही वाला है और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे डिलीवरी के लिए भिजवा दूंगा। हरमन की बात सुनकर धरा ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। धरा ने अपने मन में सोचा, अभी तो वर्कशॉप बंद होने में काफी टाइम है और ये ऋषभ पता नहीं कहां चला गया, कहीं जल्दी घर तो नहीं चला गया। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।